ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਓ ਮੇਰਾ ਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ शहीदा साहब आया, शहीदा साहब दर्शन करने आया क्योंकि बाबा जी की कुरबानी बहुत बड़ी है क्योंकि वो जिंदा शहीद हैं, इसलिए सानू नमस्कार करनी चाहिए। किदा का दृश्य वेखन को मिला जो शहीदा साहब आए जी? बहुत वधिया। फुलां दी सजावट बारे की कहना चाहते? फुलां सजावट बहुत वधिया। बाबा जी की अरदास बेनती की है? बाबा जी अरदास की सारे सारे का भला करो। नौजवान पीढ़ी को संदेश देना चाहते? नौजवान पीढ़ी को यह संदेश देना चाहते भी नशे वालों हट के गुरमत वाल लगन, अमृत छकन, सिंह सजन। मेरा नाम बलविंदर सिंह है, मैं गुरु घर का भी एक सेवादार ही है। अज साडे संत सिपाही महान लिखारी संत बाबा दीप सिंह जी का जो शहीदी दिहाड़ा है, अज के दिन में उस शहीदी दिहाड़ा दे के अज अपने कौम के नाते एक बहुत सोहना संदेश दे के गए हैं, जिदे साडे बाबा दीप सिंह जी की जिन्नी भी उन्होंने अपने हत्थां नाल लिखिया जिन्नी भी अपने रचनावां हैं, जिहड़े अपने तीन गुरु ग्रंथ साहिब पासे लिखी है, इस तों अलावा उन्होंने जिहड़े अपना शहीदी दिहाड़ा दिता है, उस शहीदी दिहाड़ा दे विच सारी संगत नूं इह है कि भावें पुरजा पुरजा कट मरदा है पर अपना कदी अपना धर्म नहीं छड्दा है। उन्होंने अज दिहाड़े दिता है तो सारी संगत जिन्नी आप देख रहे हो कि जितना ठाठा मारदा समुंदर इत्थे संगत का इत्थे इकट्ठा होया है वा, मैं सारी संगतों को इस बारे बेनती करना कि अज मैं खासकर अमृतसर वासियों को बेनती करांगा कि अपने बाबा दीप सिंह के जन्म दिहाड़े अज शहीदी दिहाड़े उत्ते इत्थे आके अपने आके नतमस्तक होण ते महाराज जी का जरा भी अपने नतमस्तक हो गया अपना जो आशीर्वाद है जरूर लैण नाल। देखो जिते संगत में पैर रखने की संगत जगह नहीं हैगी है क्योंकि वैसे भी इतने जो चुपहरा लगता है कि बाहर सड़कों तक लोगों देशों विदेशों तो इतने आ गए अपना चुपहरा कट रही है तो लगातार इतने संगत का जरा कट है वो इतने वही रहा है क्योंकि बाबा दीप सिंह जी बहुत नेड़े होकर संगत की जी अरदास हैगी बेनती हैगी पूरा सुनते हैं तो ये कोई ये है ही नहीं है कि जो बाबा दीप सिंह दर जो जुड़े हुए हैं खासकर जो भी गुरु नानक नाम गेवा है जो भी बाबा दीप सिंह प्यार करते हैं उन्होंने नाल जो भी है उन्होंने अरदास बहुत नेड़े होकर सुनते हैं जे करके इतने संगत आई है। फुलों की सजावट बारे की कहना चाहोगे? देखो जी फुलों की सजावट बहुत ही सोहनी की गई हैगी है, मैं प्रशासन की खासकर मैं जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी बहुत जे इतने मैनेजर साहब है उन्होंने बहुत धन्यवादी कहवागा क्योंकि उन्होंने बहुत ही सोहना उपराला किया है, लंगर की बड़ी सोहनी इतने व्यवस्था की हुई है, जोड़े घर दियाँ जोड़े दियाँ भी प्लस नाल जो अपना फुलों के नाल जो भी सजाया गया बहुत ही सोहना उन्होंने उपराला किया है। देखो जी नौजवान की पीढ़ी के यही है सब तो बड़ी गल है कि नशे वाले बन्ने ना जाके अपना जो अपना बाणी पढ़िए गुरु के सिख बनीए तो जेकर जोड़ा भी बंदा बाणी ना जुड़ता है गुरु का सिख दे जो अपना जरैत मर्यादा तो रहा है तो नशे वाले बन्ने जाने की लड़ ही नहीं हैगी है, गल तो यही हैगी। धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दास का नाम परमजीत सिंह है, बहुत ही वधिया अज मन खुशी हो महाबली योधे धन धन बाबा दीप सिंह जी का जो अज शहीदी दिहाड़ा है, संगत बड़े उत्साह मना रही है, बहुत सोहनी फुलों की सजावट हुई आ, दूरों दूरों संगत आदि वा, सानू महाराज के दसे मार्ग से चलना चाहिए आ। सारिया संगतों को अपील है कि जो भी संगत इतने आदि वध चढ़ के सेवा कर, नाम सेवन दातां बख्शन। तो बाबा दीप सिंह जी के बारे जिन्ना भी असं जानते हैं कि जो शहीदी उन्होंने पाई है सारी सिख कौम में जिहदे नाल दी शहीदी कोई भी नहीं पा सकता। महाराज की बाणी में जगह जो तो प्रेम खिलन का चाहो सिर धर तली गली मेरी आओ,
इत मार के पैर धरीजे सिर दीजे कार ना कीजे। तो बड़ा मन अच खुश हो गया वा अंदर जाके हम मारे कृपा कर दर्शन करा संगत के भी दर्शन करा। वही गल एक होर सो जुड़ी सूँ हर ऐतवार वेखन मिली संगत का कट कि बाबा दीप सिंह जी सारिया संगत इनिया झोलियां भरते पे आ कि वध चढ़ के संगत दूरों दूरों आती है और जिन्हों मनोकामना पूरिया होंगे वो आप इन्ना ज़्यादा खुश है इन्ना उत्साह संगत के मन च है कि असी एक च पैदा करते हैं तो साढ़े दुख दूर हो जाते हैं। तो सगो सानू भी सेध लैनी चाहिए है असी इतने रहन के बावजूद भी अही संगत दर्शन कर नहीं आने। तो चलो महाराज अगर अरदास करते हैं कि जोड़ा दिहाड़ा वा वध चढ़ के संगत उत्साह मनाया जाए। तो गांह तो भी अरदास करते हैं बाबा दीप सिंह के चरणों च कि महाराज सारे चढ़ती कला च रखन। वाहिगुरु जी का खालसा। देखो जी फुलों की बहुत ज़्यादा सजावट की हुई है तो चलो मन भी खुश हों। थोड़े दिन पहला जिस तरह दिवाली निकली आ लोगों ने उदों भी इन्नी ज़्यादा सजावट अपने घर की आ पर कहने कि जी घर इन्नी सजावट है ना वो जगह तुम गुरद्वारा साहब आके इतने वध चढ़ के सेवा तो वध चढ़ के फुलों की सजावट करो ता बहरों संगत आई हैं उन्होंने होर मन में उत्साह मिले कि यार असी गए हैं बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे साडा मन बहुत खुश होया। देखो जी महाराज जन्ना हमेशा ही अरदास बेनती करती कि संगत को चढ़ती कला च रखन सारे दुख दूर हो तंदुरुस्तियां बख्शन महाराज हर एक नूं। अं यो अरदास करते हैं कि जोड़ा अज का दिहाड़ा वा बड़ी चढ़ती कला से जाए दिहाड़ा। नौजवानों के चरणों से यही बेनती है कि जिंदगी एको बारी मिली आ कोशिश करो कि यह जोड़ी लाइफ हैगी नाम सिमरन अमृत छक के गुरसिखी जीवन बख्शो। अं यो अरदास करा कि नशिया तो दूर हो जाओ। बड़े मावां दे पोते नशिया से चल गए आ तो ये मिले अज तक किसी कुछ भी नहीं आ। तो सारे नौजवान मीडिया को बेनती आ कि नशा छड़ के इस पासे आन तो जो कि असी गुरु वाले बन सकी।